गलत डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं, डिसीजन वैसे जान पहचान हो गई, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए और उन्होंने वेट कर लिया कि हाँ भाई 18 साल की लड़की पूरी हुई और अपने लव मैरिज कर ली, या फिर लड़के की थोड़ी बहुत एज कम है 21 साल होना, तो उन्होंने होते ही महीना गुण पकड़ते लव मैरिज कर लेते हैं। हमारे साथ छात्र नेता भी हैं जेजेयू से, और समाज में की मानो भाई 20-22 साल का युवा लव मैरिज कर ले हैं, लोग कहते हैं लव मैरिज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस स्त्रियाँ आपस में सेटिंग बच्चे मानसिक जो अपनी सेटलमेंट है वो नहीं बिठा पाते, और नतीजा आप देख सको हो, ये सुमित की मौत आज हुई है, 2 महीने हुए हैं शादी को और 2 महीने में जिंदगी खत्म, क्या कहना चाहोगे, या हत्या है या आत्महत्या? देखिए ये कोई ऐसा कोई पहला या आखिरी केस नहीं है, थोड़ा फ्रेम चेंज ऐसे करो। ये पहला कोई आखिरी केस नहीं है, ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, और लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज करना बुरी बात भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि देखो संविधानिक अधिकार है, कानून इसकी आज्ञा देता है, परमिशन देता है, और इन्होंने तो कोर्ट से मैरिज कर रखी है, ये भी नहीं है कोई सोसाइटी के उसके एंगल से, लेकिन कई बार बच्चे जो है गिने चुने दिनों में 2 महीनों में 3 महीनों में हफ्ते में 10 दिन में ये गलत नहीं, ये पहले तो जो स्टार्टिंग होते हैं उसमें वो गलत डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं, डिसीजन नहीं, ये पहले तो जो स्टार्टिंग होते हैं उसमें वो गलत डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं, डिसीजन वैसे जान पहचान हो गई, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए और उन्होंने वेट कर लिया कि हाँ भाई 18 साल की लड़की पूरी हुई और अपने लव मैरिज कर ली, या फिर लड़के की थोड़ी बहुत एज कम है 21 साल होना, तो उन्होंने होते ही महीना गुण पकड़ते लव मैरिज कर लेते हैं, उससे पहले उनका खुद का स्टैंड भी या कुछ और जो सारी चीज़ें जो है मायने रखती हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा युवाओं को भी सोसाइटी के लोगों को भी कि इंटरकास्ट मैरिज बुरी बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कि उस इंटरकास्ट मैरिज में अगर परिवार इनोल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात, क्योंकि तजुर्बा कोई छोटी चीज़ बिल्कुल 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 जो हमारे जो बड़े हैं वो तो बड़े ही हैं। आप कब इन्वॉल्व हुए इस मैटर में? मैं इसमें जिस दिन ये हमें पता चला जिस दिन डेड बॉडी आई सिविल हिसार में लेके आए उसी टाइम मैं आ गया था यहाँ। अकेला गया आपने, तथ्यों के आधार पर बताइए हत्या लगा? तथ्यों के आधार पर जो पहले हमने जो गले पे निशान देखे उसके अकॉर्डिंग भी हमने देखा कि ये हमें तो मर्डर लगता है, उसके बाद फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि जी दम घुटने से मौत हुई है, इसका मतलब जो हैंगिंग है वो भी हमने मान ली, परिवार ने मान ली कोई बात नहीं भाई, लेकिन हैंगिंग का कारण तो दे, जब लव मैरिज करने 3 महीने हुए हैं, लड़की के बहन है या भाई है वो परिवार को धमकी दे रहे हैं बार बार, 10 साल में मिल जो, 1 महीने मिल जो, 10 महीने मिल जो, हम मारेंगे, और ऊपर से मर्डर हो जाता है, तो हम तो इसको हत्या मानते हैं, बेसिक से सुसाइड हो। लास्ट में क्या कहना चाहोगे, ये बच्चे और भी देख रहे हैं, आप छात्र नेता हो, क्या मतलब स्टूडेंट लाइफ में ये आम बात है प्यार होना फिर शादी करना, क्योंकि 2-4 दिन के चौंचले हैं और उसमें बड़े फैसले बच्चे ले लें, लास्ट में क्या कहना चाहूंगा? मैं यही कहना चाहूंगा कि प्यार करना या लव मैरिज करना वो गलत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर दोनों के परिवार शामिल हो जाएं और उनके परिवार की सहमति से चीजें हों तो अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है, वरना तो फिर ऐसी घटनाएं तो हमारे देश में जो है होती रहती हैं और इनके कारण फिर बुरे होते हैं, नतीजे जो हैं बहुत बुरे होते हैं, और इस मामले में प्रशासन एक बात और कहूंगी, कई बार लड़कियों के साथ बुरा हो जाता है, लड़कियां बाहर चली जाती हैं तो उस चीज़ को बहुत हाईलाइट कर दिया जा रहा है कि लड़की, जैसे पीछे सरदाड़ा केस था और भी कई केस थे, लेकिन अगर लड़कियां अगर सेम वही चीज़ हो, देखो ऐसा है इसी केस में अगर सुमित जिंदा होता और बाय चांस ये लड़की सुसाइड कर गई होती, पूरा सुमित का परिवार सारे दोस्त सुमित अब तक जेल के भीतर होते, लड़की के साथ संपत्ति होती है, जब लड़का चला जाता है लड़की रहती है तो लोग सोचते हैं कि वो तो चला गया कोई बात नहीं, लेकिन हम लड़की ने फिर भी थोड़ा सेपरेट रख लिया, इस सिस्टम जो दोहरी मानसिकता प्रशासन की ये गलत है, कई बार ये देखा जाता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो कास्ट भी देखी जाती है, अगर आप एक डोमेन कास्ट है मतलब एक तथाकथित जो ऊंची जाति से संबंध रखते हैं तो आपको जो है बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करे जाते हैं बड़े लेवल पर, क्योंकि उनके जगह राजनीति में है या मजबूती उनका सिस्टम है, उनके लोग बैठे हैं, उनके अफसर बैठे हैं। अब गंगाराम पूनिया जी बार बार एक बात कहते थे, जो कल परसों ट्रांसफ़र हुआ है एसपी साहब का, हम मिलने भी गए उनसे, मैं शामिल था जब मिलने गए मीटिंग में कमेटी के तौर पर, कि मैं किसी प्रेशर या दबाव में काम नहीं करूँगा, मैं उचित जाँच करूँगा, हमने खुशी हुई ये बात सुन के, लेकिन वही चीज़ उन्होंने मीडिया में भी बयान दे दिया कि प्रेशर में काम नहीं करूँगा, बट जब हम अपना रिकॉर्डिंग देने लग रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग के आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, उस केस में जो धाराएं लगी हैं उसके साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि SC ST एक्ट में आप तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी करो, बाकी बाद में होती रहेगी जाँच, SC ST एक्ट में तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी करेगी प्रशासन, बिल्कुल प्रशासन जो ऑफिसर ज़्यादा नई ज्वाइनिंग होने के बाद जो अफसर ज्यादा उछड़ा कूद कर है ना, ज्यादा ये जताओ कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ मैं ब्रांड के करूंगा, अक्सर वो सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचारी होते हैं, सबसे ज्यादा वो प्रेशर में काम करते हैं,
भाई भूकल ने भी भाई जी के बारे में तो मैंने ऐसा सुना है वो बहुत टॉपर रहे हैं वे टॉपर रहने से क्या बनता है टॉपर रहने से वो मानसिकता थोड़ी बदल गई टॉपर तो बने रहे हैं लास्ट में क्या कहना चाहोगे बच्चे का उस फैसले ले मैं देखो बच्चों को आपकी इस बात पर मैं कहना चाहूंगा कि इन चीजों को हम बंद भी नहीं कर सकते और गलत भी नहीं मानते लेकिन इनमें अगर परिवार शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसे फैसले जो है आगामी जो रिजल्ट है थोड़े अच्छे अच्छे परिणाम आने की संभावना रहेगी बाकी इन घटनाओं से इतना दूर रहे इन चीजों से तो अच्छा अगर अरेंज मैरिज हो जाए क्या संभावना नहीं है अरेंज मैरिज में झगड़े नहीं होते नहीं झगड़े होते हैं लेकिन यही केस अगर अरेंज मैरिज का होता तो जो पहले दिन से झगड़ा स्टार्ट होता तो परिवार को पता होता ना दोनों परिवारों का हो सकता था कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाता है इनका जब अरेंज मैरिज में झगड़े होते हैं लेकिन वे झगड़े यहाँ तक बहुत कम पहुँच पाते हैं जिनका कोई मतलब इस तरह की घटनाएं हो जाती है। धन्यवाद।